भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल में हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर 2 नवंबर को नेपाल पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। अपने नेपाल दौरे के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आतंकवाद को विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया। मुखर्जी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस बुराई को मिटाने के लिए साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आज आतंकवाद हमारी शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें आतंकवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए सभी समाजों में सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने की जरूरत है। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी की यात्रा पिछले 18 सालों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली नेपाल यात्रा है।